नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। रिलायंस की वीडियो दोस्तों, हम लोग वीकली एनालाइज करते हैं इसको, रिलायंस को, कि रिलायंस कहाँ जा सकता है, क्या दिशा दे सकता है निफ्टी का, क्योंकि भैया इसका क्या है, वेटेज ही इतना है और परफेक्टली एनालाइज हो रहा है रिलायंस आपका। बहुत बढ़िया, जब से मैंने मतलब जब भी इसको मैंने डिस्कस किया है, एक आधे वीक दिन छूट जाता है, बट ईच एंड एवरी वीक रिलायंस को हम डिस्कस करते हैं। और जो लास्ट वीक का अपना व्यू था, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये 24 अक्टूबर की ये वीडियो है और ये लिखा है यहाँ पे मंडे के लिए 2550 हमारा टारगेट है इस वीक का, ठीक है, जो ये वीक गया 24 से लेके 27, 2550। और ये वीडियो मैं आपको सुना भी देता हूँ, ठीक है, ये सुनिए जरा मैं क्या बोल रहा हूँ अपने, एक सेकेंड के लिए बस। सबसे पहली चीज, सेल करने की मेरी सलाह बिल्कुल ही नहीं है कि आप रिलायंस को सेल करो, आपको बाय ही करना है, ठीक है, आपको बाय ही करना है। नाउ बाय करने के मैं आपको दो तरीके बताता हूं, ठीक है, आपको बाय करने के मैं दो तरीके बताता हूँ, चलिए सुन लीजिए, ठीक है। या तो ये वीकनेस ही दिखाए आपको बहुत ट्रेडिंग वाले दिन और या फिर ट्यूसडे वगैरह दिन अगर आप जा रहे थे, तो 2440 अगर वीकनेस रहती है, तो जितना आप इसको 2440 के करीब से बाय करेंगे, वहां पे एसएल रखेगा 2420 का, 2440 के, ठीक है दोस्तों, इसको बाय कीजिए, एसएल रखिए। ये मैं शेयर कर रहा हूँ, वो मुझे नहीं पता था इसके रिजल्ट हैं कैसे हैं, रिजल्ट इसके खराब आए थे, बहुत लोगों ने बताया भी, ये देखिए नीचे कमेंट आपको दिखेंगे, ठीक है, ये नीचे आपको कमेंट दिखेंगे, ये रिलायंस विल गो डाउन नेक्स्ट वीक, Q2 रिजल्ट आर वेरी नॉट वेरी गुड, ओके, ठीक है, 2480 ये सब वगैरह 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 काफी है, इसके रिजल्ट के बाद ऑलवेज गिरता है, लेट्स सी ऑन ट्यूसडे, ठीक है, रिजल्ट ऑफ इट्स नॉट गुड, बहुत है रिजल्ट के ऊपर, बहुत है, वेरी वेरी पुअर ये लिखा, वेरी वेरी पुअर। अरे भैया, रिजल्ट के बेस पे अगर चलने लग गया ना स्टॉक मार्केट, अपना इंडिया का स्टॉक मार्केट, आप कुछ नहीं कर सकते, ये रहा आपका रिलायंस, ठीक है, ये रहा 2526 पे, ठीक है, और ये रहा उसका टारगेट 2550 दिया था मैंने, तो हाई देख लीजिए आप कितना बना रिलायंस का, ये है हाई 2535। भैया चार्ट क्या बोल रहा है, कब सीखोगे दोस्तों, रिजल्ट कोई इतने खराब नहीं थे कि रिलायंस का बिल्कुल भट्टा बैठ जाए, हाँ गलत साबित हो सकते हो, सीखिए, 80-90% आप सही साबित होगे, चार्ट क्या बोल रहा है, ठीक है, पैटर्न क्या कह रहा है। बजाज फाइनेंस का तो रिजल्ट बहुत जबरदस्त है, वो क्यों नहीं गया ऊपर बताइए जरा, हैं, ठीक है, रिलायंस का तो रिजल्ट खराब था, क्यों नहीं गया नीचे। अरे भैया ये वो वाला मार्केट नहीं है जो 2005 तक चलता था, 2000 इनफैक्ट 2010 तक भी, रिजल्ट अच्छा है तो स्टॉक भागा, रिजल्ट खराब है तो स्टॉक गिरा, अब होता है उल्टा, रिजल्ट अच्छा है स्टॉक प्राइस नीचे, स्टॉक प्राइस नीचे है रिजल्ट खराब आया स्टॉक प्राइस ऊपर, ठीक है, 25 जिसने इसको बाय किया होगा ना, 2420 ये मैंने जो एसएल दिया था वो यहाँ बैठा होगा आज, हर वीडियो में मैंने बताया रिलायंस को, हर वीडियो में, अब दिया इसने भैया ब्रेकआउट, अब ये मिलेगा आपको यहाँ 2600, एक तरफा व्यू है, एनी क्लोजिंग बिलो 2500 और थोड़ा सा आप सेफ लेना चाहते हैं 2480, इस लेवल के नीचे क्लोज करता है तेजी से निकल जाइए, टारगेट रखिए 2600 2670 नेक्स्ट 10 डेज, ठीक है, नेक्स्ट 10 डेज, इसने ये देखिए ये पूरे जोन का ब्रेकआउट दिया, 1 2 3 4 5 6 7वें दिन इस कैंडल का, यहाँ पे
तो दोबारा इस जोन में नहीं घुसना चाहिए, ये जाएगा ऊपर कम से कम इतना 100 पॉइंट यहां से और ऊपर, इस जोन में घुसेगा अभी, ठीक है, इस वाले जोन में एंट्री मारेगा। तो 2650 के बीच, और इनफैक्ट मुझे लगता है 2670 ये लेवल स्क्रीन पे आना चाहिए। तो यही व्यू है फिलहाल रिलायंस में, और कोई मंदी का व्यू बिल्कुल भी नहीं है किसी प्रकार से। अरे देखो दोस्तों, 10 EM में ऊपर की तरफ आ गया है, 20 EM में नीचे की तरफ चला गया। ये क्या कह रहा है? ये नहीं कह रहा कि वीकनेस, बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि वीकनेस, चाहे रिजल्ट जो मर्जी आए। हाँ, रिजल्ट खराब आए, रिलायंस गिरना चाहता है, तो फिर ये दोबारा से क्रॉस ओवर होने चाहिए, ठोको फिर 2350 का टारगेट लो, इसके नीचे जाए तो ये वाला टारगेट लो 2280, फिर ठोको। बट फिलहाल चार्ट पैटर्न बोल रहा है इट्स ब्रेकआउट, ये जो विड्थ है ये लेके जाएगी फिर इसको इस ब्रेकआउट के ऊपर 2600 प्लस, ठीक है। SL इज 2500 और बड़े प्लेयर के लिए 2480। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, रिलायंस का एनालिसिस था, वीकली हम करते हैं, एंड भगवान की दया से आप लोग के आशीर्वाद से बहुत एक्यूरेट एनालिसिस होता है रिलायंस। थैंक यू वेरी मच।